हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का यहाँ पे वेलकम है, यहाँ पे आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट में। एज यू ऑल नो, यहाँ पे आपको मिलती है यूजीसी एनटीए नेट की सारी 10 यूनिट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, एज वेल एज जो भी अपडेट्स होती हैं ना आप सभी की यूजीसी एनटीए नेट की, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है माय डियर। चलिए तो आगे बढ़ो, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी हम लोग यूनिट नंबर 1 पे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पे, ठीक है? तो हार्डली इस यूनिट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऑलमोस्ट अपने 15+ लेक्चर्स होंगे इस यूनिट का। तो हर एक लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है। जब आप सभी लेक्चर्स को कर लेंगे ना इस टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं इस यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो। और 5 क्वेश्चन आप लोग के करेक्ट होंगे अगर आप सभी लेक्चर्स को अटेंड कर लेंगे तो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आज क्लास नंबर 1 है अपना, इसका टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 1 रहेगा। प्लीज इन तक जरूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे आपको हर एक क्लासेस मिल जाए। लेट मी मेक इट क्लियर टू यू, इससे पहले अभी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है? इससे पहले हम सभी ने जो अपना यूनिट नंबर 9 था, यानी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, वो कवर कर लिया है। 31 लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 को फिनिश किया वीडियो लेक्चर्स के साथ में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जब 31 लेक्चर्स आप पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट यूनिट नंबर 9 का लगा लेंगे ना, तो आपके 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स आपके हाथ में होगा। अ सिंगल क्वेश्चन भी उस यूनिट से गलत नहीं होगा, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते आज टीचिंग एप्टीट्यूड के इस यूनिट नंबर 1 के साथ में, पेपर नंबर 1, जहां पे आपको देख कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे। ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के साथ में। से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे सभी चीज आपके पास एट ईज आपके पास मिल पाए। ओके माय डियर, सो लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर नंबर 1 ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिएगा ये अपना सिलेबस है, आप सिलेबस अगर आपके पास नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अपना पूरा सिलेबस है जो हम सभी को स्टडी करना है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर में। एक एक टॉपिक जो हम आपको दिख रहा है ना, इनके अंदर हम जाएंगे अपने लेक्चर्स के अंदर में। अगर कोई सब टॉपिक होगा, कोई सब पार्ट होगा, तो वह भी हम लोग अपने क्लास लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए, इतना बहुत है आप सभी को बताने के लिए कि अपने लेक्चर्स यहाँ पे क्या क्या दिया जा रहा है आपको। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 के साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड का। सिलेबस आपके सामने, आप उसको रीड कर सकते हैं चाहे तो आप। चलिएगा पहले हम स्टार्ट करते हैं समझते हैं कि आखिर एजुकेशन क्या होता है। देखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एजुकेशन। आखिर एजुकेशन होता क्या है समझते हैं। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है नाम सभी को, तो आखिर इन दो वर्ड्स का मतलब भी तो समझ में आना चाहिए कि टीचिंग क्या होता है, ठीक है? एप्टीट्यूड क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो अपना यूनिट है ना टीचिंग एप्टीट्यूड का, देखिए टीचिंग क्या होता है, टीचिंग से क्या होता है। तो टीचिंग एक तरीका होता है, ठीक है, जिससे स्टूडेंट कुछ चीजें सीखते हैं। तो टीचिंग क्या है, देखिएगा, देखिए टीचिंग, अगर मैं आपसे कहूँ टीचिंग क्या है ना, टीचिंग को आप मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे तो क्या स्पेलिंग होगा? TECHING। तो जिसमें ING रखता है मतलब में प्रोसेस होता है। तो टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें बच्चा यानी स्टूडेंट्स कुछ चीजों को सीखता है, लर्न करता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको टीचिंग हम सभी कहते हैं, ठीक है ना? देखिए टीचिंग मेनली क्या करता है ना, तो टीचिंग का जो मेन पर्पस हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे वैसे, बट थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ यहाँ पे। टीचिंग के तहत जब टीचिंग होता है तो बच्चा ने स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है ना उसमें बदलाव आता है, उसमें चेंज आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, अब बात आते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड कहते हैं आपकी स्किल, आपने सोचने की क्षमता, ठीक है, एप्टीट्यूड, ठीक है? अभी देखिएगा थोड़ा सा आते हैं आपके एजुकेशन पे। अपनी पहली क्लास आज टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन वैसे रहेगा, तो अपना बात करते हैं आखिर अपने देखिए एजुकेशन क्या होता है, ठीक है? इंट्रो मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इस लेक्चर्स के बाद आज आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा जो हमेशा यूजीसी के एग्जाम में आता है। 1 क्वेश्चन आज यहाँ पर सही कर लेंगे, अगर पूरे क्लास अच्छे से कर लेते हैं आप तो, ठीक है? तो एजुकेशन देखिए क्या करता है,
देखिएगा, तो एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन आप समझ सकते हैं कि हमें एजुकेशन की बहुत जरूरत है, नहीं कि सिर्फ सोशल पर्पस से। सोशल पर्पस की आप बात करें, आप इकोनॉमिक पर्पस की बात करिए, आप पॉलिटिकल पर्पस की बात करिए, आप वोकेशनल पर्पस की बात करिए, तो एजुकेशन हर जगह है और हमें एजुकेशन की हर जगह जरूरत पड़ती है। अगर हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, अगर हमें अपने कल्चर को ट्रांसमिट करना है, अगर हमें अपनी चीजों को दूसरे के पास पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? एजुकेशन। ठीक है, अब आप हैं, मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर वो आपके पेरेंट्स आपके पास चीजें को पहुंचा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं आपको कि क्या सही है या क्या गलत है, तो वो कैसे बता पा रहे हैं? वो बता पा रहे हैं बिकॉज दे हैव द एजुकेशन, क्योंकि उनके पास इस चीज की नॉलेज है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्लियर है? तो एजुकेशन क्या है आपका? एजुकेशन जरूरी है अगर हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है या अपने कल्चर को, अपनी चीजों को, अपनी एथिक्स को ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए भी एजुकेशन जरूरत पड़ता है। हमने देख लिया एजुकेशन हर जगह है आपका, सोशल स्पेयर में भी आपका है, ठीक है, इकोनॉमिक में भी आपका आता है, आपका आपका पॉलिटिकल में भी आपका आता है, एंड नॉट ओनली दिस ऑल, वोकेशनल के अंदर में अपना एजुकेशन आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ स्लाइड्स में मैं दिखाता हूँ आपको, देख क्या लिखा गया है। अच्छा, जैसा हम लोगों ने टीचिंग आप टीच जैसा हम लोगों ने पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में क्या था टोटली यहाँ पे सेम करेंगे। हमने क्या कहा था पीपल डेवलपमेंट में? हमने पीपल डेवलपमेंट के हर एक लेक्चर में क्या किया? पहले समझा, फिर स्लाइड्स पढ़ा, और फिर लास्ट में क्या क्या देखा कि इस क्लास से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ने के बाद हमें पता नहीं चलता ना कि क्या क्वेश्चन आ जा सकता है। तो वो मैंने डिफिकल्टी देखा होता है बच्चों में, स्टूडेंट्स में, इवन जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है। तो यहाँ पे इस लेक्चर्स में आपको ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पढ़ने के बाद स्लाइड्स के बाद आपको बता ही भी जाएगा कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, हम जाके चेक कर सकते हैं। हम लोग हर लेक्चर में क्या था पीपल डेवलपमेंट मोमेंट पे, ठीक है। तो देखिएगा एजुकेशन की अगर हमसे बात करूँ, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा कि एजुकेशन अपना या टीचिंग की बात करिए, तीनों अलग है, एजुकेशन टीचिंग एंड लर्निंग क्या तीनों अपना अलग अलग है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव होता है लर्निंग का, एजुकेशन का, देखिए एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग। एग्जामिनेशन देखिए पहला क्वेश्चन बन सकता है कि आपका एग्जामिनेशन इस दिन में कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग है कि टीचिंग है? ना, एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? चीजों को सीखना, लर्निंग करना। टीचिंग क्या है? टीचिंग तो एक तरीका होता है जो जिससे आप बताते हो कि बच्चा या स्टूडेंट उस चीज को सीखे, समझ रहे हैं ना। तो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है? मेरे साथ बोलते रहिएगा, ठीक है, लर्निंग करना। क्या है? लर्निंग करना। एंड एजुकेशन समझिएगा, एजुकेशन आपका हर जगह है, ठीक है। एजुकेशन अपनी अब एक बात ध्यान रखिएगा, एजुकेशन आप जानते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ना कि फैक्ट कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो कि बताओ इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसे में क्या करोगे, तो उसके लिए जरूरी है आप चीजों को ध्यान से समझिएगा। देखिए एजुकेशन ना ही कि सिर्फ टीचर्स देते हैं, ठीक है ना, एजुकेशन सभी देते हैं, ठीक है, टीचर्स भी देते हैं, इवन आपके पेरेंट्स भी देते हैं, सभी लोग टीचर आपको एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है। और एजुकेशन में सिर्फ आपको प्रेजेंट की चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, आपको एजुकेशन जब दिया जाता है तो आपको अभी का, पास्ट का एंड फ्यूचर की भी चीजें बताई जाती है। एजुकेशन नॉट ओनली अबाउट द पास्ट, पास्ट में बताता है ना प्रेजेंट बताता है, बल्कि एजुकेशन हमें फ्यूचर के बारे में भी बताना लिखेगा। तो एजुकेशन देखिए एग्जामिनेशन में आ सकता है कि आप एजुकेशन से कब कब का चीज सीखते हो, तो आप एजुकेशन से पास्ट का भी सीखते हो, आप एजुकेशन में पास्ट में क्या वो भी सीखते हो, आप जानते हो उसके बारे में, अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में यह भी सीखते हो आप, और फ्यूचर में क्या हो सकता है यह भी आप एजुकेशन के थ्रू सीखते हो, ठीक है ना। आगे बढ़े फिर एब्सोल्युटली सर। फिर देखिए कुछ यहाँ पे लिखा गया आप लोग, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन को डिफाइंड किया है एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन, आप उसको याद नहीं करना आपको, ठीक है, इतना आपको नहीं जाना, ये याद रखिएगा कि एरिस्टोटल ने क्या कहा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए एरिस्टोटल ने एजुकेशन को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एजुकेशन के इन्होंने इनके हिसाब से एक आपके माइंड, देखिएगा आखिर एरिस्टोटल क्या कहते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दो तरह के लोग हैं,
एक ये एक समझिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। ये अपने हैं राम भाई, ये है श्याम भाई, ठीक है। राम भाई क्या है, इनके पास में ना नॉलेज ही नहीं है, अनसाउंड है ये, ठीक है। ये श्याम भाई है, नॉलेज है, नॉलेज है, देखिए नॉलेज तो ये उड़ रहे हैं ऐसे, नॉलेज इनके पास में, ठीक है, नॉलेज है, और ये अनसाउंड है, इनके पास माइंड, इनके पास सोच नहीं सकते है ना, ये जो ये वाला है, ठीक है, इनके पास थिंकिंग स्किल नहीं है, ठीक है। तो इनके पास कुछ चीजें नहीं, तो ये दब रहे हैं, यहाँ पे दब रहे हैं, ठीक है। और इनके पास माइंड है, नॉलेज, ये की उड़ रहे हैं, ये जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। और ये दब रहे। तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं कि जब किसी के पास साउंड की चीज आती है ना, तो वो उसके अंदर क्रिएट होता है। क्रिएट मतलब क्या, कि उसके अंदर में ना देखिए पर्सनैलिटीज डेवलप होंगी, उनके अंदर में चीजें वो समझ पाएंगे कि क्या उनके लिए बेटर है, क्या उनके लिए बेटर नहीं है। कब, जब उनके पास एजुकेशन होगा, क्लियर है, फाइन सर। बाकी आप और चाहे डेफिनेशन रीड कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन ये नहीं पूछता कि किसने क्या कोट दिया हुआ है, तो आप इफ यू वांट यू कैन लर्न, क्योंकि देखिए आप याद करेंगे बेहतर रहेगा, ठीक है ना, याद समझ लीजिए बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ से इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, शायद यहाँ से क्वेश्चंस ना बने, लेकिन लास्ट स्लाइड जो मैं बताया स्लाइड नंबर 1 से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वहां से क्वेश्चंस बन सकता है। क्या क्या बन सकता था, कि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव टीचिंग क्या सेम है कि नहीं सेम है, ठीक है। एजुकेशन में क्या क्या चीज आती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ आता है, ठीक है, सब कुछ चीज यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए कुछ फिलोसफीज एंड अप्रोचेस एजुकेशन की, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आप लोग के लिए, कि क्या फिलोसफीज है और क्या अप्रोचेस हैं अगर हम एजुकेशन की बात करें तो। देखिए फिलोसफी एक कहीं ना एक वास्ट सब्जेक्ट है, फिलोसफी क्यों देखते हैं, फिलोसफी का भी अपना पेपर होता है यूजीसी में ना, तो फिलोसफी का भी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है। तो समझते हैं, अगर हम फिलोसफी की तरफ से बात करें, अगर हम अप्रोचेस की तरफ से बात करें, तो इसमें एजुकेशन का क्या मतलब होता है, इसमें एजुकेशन क्या करता है, समझते हैं आपको, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा, हाँ चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूं, तो अब आप लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा कुछ थ्री बेसिस लिखा गया एजुकेशन का, आप समझते हैं पहले आप ही कि एजुकेशन के क्या क्या बेसिस होते हैं। देखिएगा तो अगर मैं आपसे एजुकेशन के बारे में बात करूं ना, एजुकेशन का अगर एजुकेशन ले रहे हो आप, तो आपको मेनली थ्री क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे, व्हाट, क्या। तो जब आप एजुकेशन लेते हो ना, यानी एजुकेशन जब आप करते हो, तो उसके प्रोसेस में ये तीन चीजों के क्वेश्चन आपको आंसर मिलेंगे हर बार, हर बार, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे, व्हाट, क्या, समझ रहे हैं ना। आप कुछ भी चीज उठा के देख लीजिएगा, तो आप कुछ भी उठा ले, अगर आपको एजुकेशन आप ले रहे हो, आपको ये थ्री क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। तो एग्जामिनेशन में आ सकता है कि जब भी हम लोग एजुकेशन लेते हैं, तो उसमें क्या 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 क्वेश्चन का आंसर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, तीन, याद, TWH1H, TWH1H, TWH क्या क्या है, वाई, वॉट, और एक एच क्या है, हाउ। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि एजुकेशन के प्रोसेस में कितने क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, थ्री मिलते हैं, इसमें हमारे टू डब्ल्यू होते हैं, हमारे एक एच होता है, ठीक है। इसमें से वाई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और वाई का ही जवाब कौन देता है, वाई का ही जवाब आपको फिलोसफी देता है, कौन देता है, तो वाई का आंसर आपको फिलोसफी देता है, ठीक है। और हाउ, कैसे, तो कैसे का जवाब कौन देता है, कैसे जवाब देता है साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। कैसे, अगर आपको मैं सिचुएशन देता हूं कि देखिए आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो और बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को थ्रो कर रहे हैं, मार रहे हैं, पिच कर रहे हैं, तो आप कैसे हैंडल करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द सिचुएशन। तो हाउ मैंने पूछा, तो सभी बच्चे का, सभी स्टूडेंट्स का अलग, सभी जो वहां पे होंगे सभी का अलग अलग भी होगा, कोई कहेगा मैं ऐसे ट्रीट करूंगा, कोई कहेगा मैं ऐसे ट्रीट करूंगा, कोई कहेगा मैं ऐसे ट्रीट करूंगा, यानी सबकी साइकोलॉजी पे डिसाइड करता है हाउ का आंसर, ठीक है। व्हाट, क्या करेंगे, तो व्हाट का आंसर कौन देता है, कि आखिर सोशल की नीड क्या, क्या करेंगे आप, व्हाट, क्या, तो क्या का जवाब कौन देगा, सोशल नीड से, क्लियर है, फाइन। तो ध्यान रखना है हमारी तीन चीजों को, इंपॉर्टेंट है कि हमें थ्री क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, व्हाई, व्हाट, हाउ, ठीक है। तो व्हाई इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, व्हाई का आंसर आप समझ लीजिए, हाउ
समझ लीजिए एंड व्हाट समझ लीजिए, क्लियर है? वाई का आंसर, वाई कौन देगा? वाई का फिलोसफी, हाउ कैसे 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 साइकोलॉजी, थर्ड व्हाट सोशल नीड, सोशल नीड, सोशल नीड, क्लियर है? फाइन, चलिएगा। एजुकेशन भी हमारे देखिए बेस्ड होता है फिलोसफी का, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का, बता चुका हूँ सभी को। आगे बढ़ते हैं, अब हमें तीन चीजें पढ़ना है इसमें, देखिए थ्री बेसिक लिखा है इसमें, तो हमें तीन चीजें पढ़ के जाना है, समझते हैं आप, और थ्री इंपॉर्टेंट फिलोसफी देखिएगा अपने आ गया है कि थ्री लॉ इंपॉर्टेंट फिलोसफी क्या क्या है, समझते हैं, देखिएगा। तो फिलोसफी नाम है मेरा पहला, क्या है अपना पहला है आइडियलिज्म। देखिएगा आप कभी तो कोई आइडियल होगा होगा ना, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूं, सो माय आइडियल इज माय ब्रदर, तो आइडियलिज्म यानी कि आप किससे किससे आप चीजों को सीखना चाहते हो, ठीक है, आप किसके तरह बनना चाहते हो, आइडियलिज्म, ठीक है ना, यानी आप आइडियलिज्म का वर्ड कहां से आया है, ये वर्ड आपका आया है आइडियल से, ठीक है, आपका आइडियल कौन है, ठीक है, यानी इट बेसिकली अबाउट माइंड एंड सेल्फ, ठीक है ना, जिसके तरह बनना चाहते हो। The universal mind of God is central, is undertaking the world. God is the source of all creation, knowledge, spirit, and mind constitute reality. Clear? मैंने वही बात हुआ जो बताया मैं आप सभी को कि आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, idealism, ठीक है ना, और वास्तविकता के बारे में आपको बताने का भी काम आपको ये करता है, ठीक है ना, कि क्या वो एक्चुअल है कि नहीं है, यानी कि रियल नॉलेज के बारे में बताने का भी काम आपका आइडियलिज्म से कर जाता है, कि क्या वो आइडियल में है कि नहीं है, है कि नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना आप सभी को। नंबर टू आपका नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म मतलब क्या, देखिए बस नाम समझिएगा, नेचुरलिज्म मतलब क्या, नेचर के द्वारा, कि हम जब सीखते हैं, जब हम एजुकेशन ज्ञान प्राप्त करते हैं, एजुकेशन जो नेचर में चीजें होती है, नेचर के बारे में कि नेचर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में चीज सीखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं नेचुरलिज्म, क्या बोलते हैं, नेचुरलिज्म बोलते हैं। और थर्ड अपना क्या है यहाँ पे, प्रैग्मेटिज्म, मतलब क्या कि जब आप किसी चीज को सीखते हो प्रैक्टिस करके या एक्शन करके, तो उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म, मतलब कि आप देखेंगे खुद ही, जब आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप कुछ चीजें सीख जाते हो, तो जब हम किसी चीज को सीखते हैं प्रैक्टिस करके या करते हुए सीखते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म, क्लियर है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब बता दिया आप सभी को, प्रैक्टिस करके चीज को सीखना या एक्शन करके किसी चीज को सीखना। अब देखिए मान लीजिए कि आपका जो डीआई है वो आपको डीआई नहीं आ रहा है ना, तो अच्छा जब डीआई उन्होंने क्लास पहुंची तो आपको मैसेज से ट्रिक बताऊंगा, डीआई का कोई गलती नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, तो अब डीआई का क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो डीआई में यार कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे किया जाए, तो सबसे बेस्ट क्या, प्रैक्टिस 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 ना, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ अगर सही कॉन्सेप्ट मिल जाए ना कि क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा और जल्दी होगा ना। तो बताऊंगा जब आप लोग डीआई क्लास में आएंगे, जब लोग आएंगे डीआई वाले यूनिट पे, तो बताऊंगा डिटेल में कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है, तो मेरे बात समझ रहे हैं ना आप, ठीक है, तो मतलब क्या आप मानिए आपको अभी नहीं आता, क्या आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे सर, ठीक है, तो वही प्रैग्मेटिज्म, जब आप किसी चीज को सीखते हो प्रैक्टिस करके या एक्शन करके करते हुए सीखते हो, तो आप इसे बोलते हो प्रैग्मेटिज्म, क्लियर है, फाइन, सो दैट्स ऑल, एक सेकंड, ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया जो आज छोटी सी क्लास मैंने रखा है, क्लास नंबर वन, कल अपना इसी का लेक्चर नंबर टू होगा, ठीक है, मानिए आप कभी इस लेक्चर्स को बाद में मानिए आप कभी देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मानिए आप बाद में देख रहे हैं तब तक क्लास बन चुकी होंगी भी, ठीक है ना, अभी तक उन्होंने पीपल डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया पूरा और टीवन लेक्चर्स एंड टीचिंग एपिसोड नंबर चल ही रहा है, और क्लासेस क्योंकि रोज हो रही हैं, तो माने के बाद में देख रहे हैं आप क्लासेस को, तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल 10 यूनिट के लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और जो भी अपडेट्स होती है ना यूजीसी एनटीए नेट की जोड़ी रिलेवेंट वो आपको यहाँ पे मिलती है, तो प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अभी लेक्चर नंबर वन था, अभी डिटेल भी क्लासेस बची हैं, तो हम डिटेल में बहुत कुछ सीखेंगे अभी, ठीक है, तो प्लीज एंड अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा, जैसे हमें भी अच्छा लगे, एंड कोई अगर लैकनेस हो मुझे प्लीज
कमेंट करके बता दीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 2 में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।